हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग सीबीएसई ई जोन में फाइन आर्ट्स क्लास 11 का टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट करने जा रहे हैं। उसके अंडर में हम लोग करेंगे आज वैल्यू, स्पेस एंड टेक्सचर। अब देखते हैं हम वैल्यू क्या होता है। तो वैल्यू जो होता है, वैल्यू का हमेशा रिलेशनशिप अगर फाइन आर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो कलर से रिलेटेड होता है। वैसे तो अगर हम लोग कोई भी चीज़ अगर खरीदते हैं तो देखते हैं उसकी क्या वैल्यू, मतलब क्या मोल है, लेकिन जो फाइन आर्ट्स में उसका जो रिलेशनशिप है वो कलर से है। तो वैल्यू क्या है, कितना कोई भी चीज़ कितनी डार्क है या फिर कितना लाइट है, वो उसकी हो जाती है वैल्यू। अब जो लाइटेस्ट वैल्यू जो होती है कलर की, वो होती है वाइट, और जो डार्केस्ट वैल्यू होती है वो होता है ब्लैक। और वाइट एंड ब्लैक के बीच में जो भी कलर्स जो आते हैं वो कहलाते हैं उसके कॉन्ट्रास्ट कलर्स। अब ये तो आप समझ गए कॉन्ट्रास्ट कलर्स क्या होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं वो होते हैं, जैसे आपने लिया जो कलर व्हील लिया, उसमें जो एक दूसरे के अपोजिट जो कलर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। क्यों बोलते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट वो क्रिएट करते हैं, मतलब एक में डार्कनेस ज़्यादा होती है और एक में लाइटनेस ज़्यादा होती है। और वैल्यू क्या कर सकता है, अगर हम किसी पेंटिंग के पर्सपेक्टिव में देखें, जो वैल्यूज़ हैं मतलब किसी भी चीज़ की अगर लाइटनेस या डार्कनेस को से हम कोई भी मूड जो होता है इंसान का हम बदल सकते हैं। अब अगर आप ये वाला देखेंगे तो इसमें जो है मेनली जो वैल्यू, जो कोर वैल्यूज है ब्लैक एंड वाइट, उसका इस्तेमाल करा गया है। और आप इसको देख के आप किसी के भी मन में एक सैड फीलिंग, एक उदासी ऐसा फीलिंग आएगी। तो ये है, ये हमने ये पेंटिंग इसलिए डाली है आपको समझाने के लिए कि इसमें जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके से हमारा मूड को अफेक्ट करता है। तो अब हमने ये देखा था कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अब कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स वो होते हैं जो अप जो कि तीन जो अगर आपने कलर व्हील में ही हर चीज़ को लेना है तो जो कलर व्हील में जो तीसरे नंबर में जो कलर आता है वो हम बोलते हैं वो होता है कॉन्ट्रास्टिंग कलर। तो अगर ये वाला अगर हम येलो उठाते हैं तो 1, 2, 3, तो ये जो है ये पर्शियन ब्लू जो कलर है वो हम बोलेंगे वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर इसका होएगा। अब है हारमोनियस कलर्स। जो हारमोनियस कलर्स होते हैं वो क्या है, वो दूसरा जो कलर, सेकंड स्टेप, दो स्टेप्स अवे, वो कहलाते हैं हारमोनियस कलर। तो इस तरीके से आपने कॉम्प्लीमेंट्री, कॉन्ट्रास्टिंग और हारमोनियस कलर तीनों का आपने फ़र्क समझ लिया और उसका यूसेज हम लोग अपने जो आर्ट फाइन आर्ट की वर्क है उसमें हम कर सकते हैं। अब दूसरा हमको देखना है जो है स्पेस। स्पेस क्या होता है, जगह जहाँ हम बात करते हैं। तो आपने अभी तक मेरे पेंटिंग्स का डिस्क्रिप्शन सुना होगा, तो हम हमेशा बताते हैं आपको फोरग्राउंड में क्या बनाया है, बैकग्राउंड में क्या बनाया है। तो वो सब क्या है, वो है कि स्पेस यूटिलाइजेशन कैसे करा गया है किसी भी एक पेंटिंग में। तो जो है जो स्पेस को आप किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एलिमेंट ऑफ आर्ट में, तो जो स्पेस है, स्पेस को हम किसी भी तरीके से कोई लाइन के द्वारा या फिर किसी शेप के द्वारा, कोई फॉर्म्स या फिर कलर, इन सब चीज़ों से, लाइन, शेप, फॉर्म एंड कलर, इन सब चीज़ों से हम किसी भी जगह में स्पेस क्रिएशन कर सकते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हम सारे के सारे एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं स्पेस दिखाने के लिए। अब स्पेस क्या है, आखिर क्या जरूरी है कि हम जब भी स्पेस दिखाएं तो हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करें, तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो स्पेस है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव स्पेस, एक होता है नेगेटिव स्पेस। तो पॉजिटिव स्पेस क्या होता है, पॉजिटिव स्पेस वो होता है जिसमें कि असली में किसी ऑब्जेक्ट ने कोई अगर जगह ऑक्यूपाई करी हुई होगी तो हम उसको बोलते हैं वो है पॉजिटिव स्पेस। अब नेगेटिव स्पेस क्या होता है, तो नेगेटिव स्पेस वो स्पेस होती है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस जो कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो जगह है वो हम बोलेंगे वो नेगेटिव स्पेस है, या फिर उसके थ्रू अगर कोई जगह है तो वो नेगेटिव स्पेस होगी, उसके अराउंड अगर जगह है तो वो नेगेटिव स्पेस होगी, या फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो जगह है वो हम बोलेंगे नेगेटिव स्पेस होगी। तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये तो जो हो गया ये आपका पॉजिटिव स्पेस हो गया कि ये ट्रायंगल उसने ये जगह ऑक्यूपाई करी हुई है। उसके साथ आप यहाँ पे सर्कल्स देखेंगे जो कि यहाँ पे कुछ सेगमेंट उसका निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने कोई लाइन यूज़ नहीं करी,
कोई भी आपने प्रत्यक्ष रूप से कोई लाइन यूज नहीं करी, और लेकिन तो भी एक स्पेस का इल्यूजन जो क्रिएट हुआ है, जो कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है, ऐसा देख के लगता है, तो ये जो स्पेस है ये आपकी कहलाई जाएगी नेगेटिव स्पेस। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको देखने के दो नजरिए हो सकते हैं, या तो कोई कह सकता है कि ये अगर ये दो चेहरे, और लेकिन अगर इसके बीच में देखा जाए तो ऐसा लग सकता है जैसे कि ये कोई एक वास बना हुआ है। तो ये जो है, तो इसमें एक एक जो एंगल है वो हो सकता है पॉजिटिव स्पेस का, कोई कह सकता है ये पॉजिटिव स्पेस है, कोई कह सकता है ये नेगेटिव स्पेस है, या फिर देखने का नजरिया है, कोई इसको पॉजिटिव स्पेस कह सकता है, इसको नेगेटिव स्पेस इसको बोल सकता है। और वैसे ही जो स्पेस होता है उसमें फोरग्राउंड में, मतलब आगे की तरफ क्या चीज़ें बनाई गई हैं, उसको क्या यूसेज करा गया है, वो एक स्पेस है। मिडल मतलब कोई भी जो आकृति है, कोई भी जो एरिया है जिसमें डिजाइनिंग करी गई है, तो उसके मिडल वाला जो पोर्शन है उसको कैसे इस्तेमाल करा गया है। बैकग्राउंड मतलब एकदम जो पीछे की तरफ वाला एरिया है उसको कैसे इस्तेमाल करा गया है। तो जो फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड, ये तीनों मिला के कंप्लीट जो एक पिक्चर है उसको वो बनाते हैं। और जो शेप्स एंड लाइंस होती हैं उनका जो जो उनका जो इस्तेमाल है शेप्स एंड लाइंस का, उसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि उसी से ही आप एक परफेक्ट कंपोजिशन, एक अच्छा कंपोजिशन आप ला सकते हैं। अगर आपका जो आपने जो कंपोजिशन बनाया है उसमें स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करा हुआ है, तो आपका जो स्पेस है, जो आपकी ओवरऑल जो पिक्चर आ रही है वो इतनी अच्छी नहीं आएगी, एक परफेक्ट जो लुक होएगा उसमें वो नहीं आएगा। अब इसमें अगर देखें ये जो पेंटिंग है, इसमें जो देखें तो इसमें भी कितने अच्छे से उन्होंने स्पेस का क्रिएशन करा हुआ है, और जो स्पेस का क्रिएशन जो है वो पॉजिटिव स्पेस भी है और नेगेटिव स्पेस भी इसमें देखी जा सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो आता है टेक्सचर। तो टेक्सचर क्या होता है, जो टेक्सचर जो होता है वो हमारे उस सेंस ऑर्गन को अफेक्ट करता है जो कि हम किसी चीज़ को छू कर हम महसूस कर सकते हैं। तो जो टेक्सचर भी एक एलिमेंट ऑफ आर्ट है, लेकिन वो हमारे सेंस ऑफ टच को वो इन्फ्लुएंस करता है। तो जो टेक्सचर क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को छू रहे हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं वो होता है टेक्सचर। अगर हम किसी चीज़ को छूते हैं वो बहुत स्मूथ लगता है तो वो उसका स्मूथ टेक्सचर है, अगर हम उसको छूते हैं उसमें ऐसा लगता है जैसे खुरदुरा सा कुछ है तो वो रफ टेक्सचर है। तो टेक्सचर को छूने से हमको जैसा महसूस होता है वैसा ही टेक्सचर होता है। और टेक्सचर कैसे कैसे हो सकते हैं, वैसे तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो है वो स्मूथ हो सकता है, रफ हो सकता है, हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है एंड फ्लफी हो सकता है। और फ्लफी का जो हमने एक विजुअल दिया, फ्लफी मतलब ऐसे होता है और रफ मतलब इस तरीके से दिखता है। अब ये है कि अब ये जो आपका एलिमेंट ऑफ आर्ट है ये पूरा खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग पेंटिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको इस ब्लॉग में आपको मिल जाएंगे। और थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। Thank you.